आज हम फिर एक ध्यान की विधि को समझेंगे। ध्यान की विधि माने आपका यहां होने का सही ढंग। हम यहां नहीं हो पाते, हम या कहें हमारा मन वो सदाई भविष्य में है या भूतकाल में। मगर एक बड़ी मजेदार सी बात है, कभी आपने सोचा कि हम मन के पीछे लगे हैं कि वो ठहर जाए, वो वर्तमान में आ जाए। और नहीं, वर्तमान में आता नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही है वो वर्तमान में आएगा, मतलब वो होगा ही नहीं। वर्तमान में मन होता ही नहीं, वो होता ही भविष्य में और भूतकाल में है। तो आज इस मैं छोटी सी विधि की बात कर रहा हूं। ये विधि कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है, इसमें कुछ करना नहीं। और आप देखते हैं कि आपको पता नहीं चलता और मन ठहर जाता है। क्योंकि आपने क्या कभी सोचा, कभी ऑब्जर्व किया कि आपका जो शरीर है वो हमेशा वर्तमान में है, आपका जो शरीर है वो कभी भी फ्यूचर में या पास्ट में जा नहीं सकता, वो हमेशा वर्तमान में है। तो ये विधि कहती है कि आप अपने शरीर को महसूस करना शुरू कीजिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मन कहां गया। तो करना कुछ नहीं है, आप कभी भी कहीं भी सहज बैठ जाएं, खड़े रहें, लेट जाएं, सहज अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, और अब आप अपने शरीर के एक एक अंग पर ध्यान को ले जाएं और वहां ठहर जाएं। कुछ बात नहीं करनी है, कहना नहीं है कि शांत और शिथिल हो रहा है, कि कहना नहीं है कि रिलैक्स हो रहा है, कि अच्छा लग रहा है, कि कुछ भी नहीं। आप अपने पैरों पर पूरे ध्यान को ले जाएं, पैर की उंगलियां, पैर, और पूरा ध्यान उस पर जमा कर रखें और बस उसको महसूस करें, पैरों की उंगलियों को, पैरों को महसूस करें, पूरा ध्यान पैरों पर। एक मिनट वहां ठहरें, जितना आपको अच्छा लगे, डेढ़ मिनट, दो मिनट। फिर आप टांगों पर आ जाएं, फिर आप घुटनों से कमर तक के हिस्सों पर आ जाएं, ठहरे रहे वहां पर, बस सिर्फ ठहरे रहे, शरीर के साथ ठहरे। क्योंकि शरीर ठहरे ही हुआ, आपको शरीर के साथ आपको ठहरना है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा मन के साथ आइडेंटिफाइड हैं, हम मन के साथ बहुत जुड़ गए हैं, आलिंगनबद्ध हैं। तो हमको शरीर के साथ ठहरना है तो फिर मन हमको छोड़ देगा, क्योंकि मन को ठहरना उसका स्वभाव नहीं है। तो पैरों के साथ ठहर गए, फिर मैंने कहा घुटनों से कमर तक ठहर गए, फिर कमर से कंधों तक, फिर कंधे से हथेलियों तक, फिर गर्दन पर, फिर गले पर। एक एक दो दो मिनट ठहरना है, बस सिर्फ ठहरना है, आपको उसको महसूस करना है, उसको देखना है, उसको जानना है। फिर आप सर पर ठहर गए, फिर आप चेहरे पर ठहर गए, फिर आप पूरे शरीर पर ठहर गए, और आप देखते हैं कि मन पता नहीं कहाँ चला गया, और आप पूरे ठहर जाएंगे। ये जो ठहरना है, क्यों ठहरना है? क्या हम चलते हैं बुरे लगते हैं? क्या हमको कल कुछ करना नहीं है, हमारा भविष्य नहीं है, हमको अपना भविष्य सुंदर नहीं बनाना है? मगर भविष्य सुंदर तब होता है जब वर्तमान स्वस्थ होता है, आनंदित होता है। आपके वर्तमान से ही आपका भविष्य निकल रहा है। अगर आज आप दुखी हैं तो इसका मतलब कल आप ज्यादा दुखी रहेंगे, आज आप आनंदित हैं तो कल आप ज्यादा आनंदित होंगे। आपका भविष्य वर्तमान से आ रहा है। तो जब आप वर्तमान में ठहर जाते हैं, थोड़े से शांत और स्थिर हो जाते हैं, तो बहुत ऊर्जा से आप भर जाते हैं। इसी ऊर्जा को हमने सृजनात्मकता कहा है, आप सृजनशील हो जाते हैं। अब आप जो आपसे जो सृजन होगा वो आपके भविष्य को बेहद खूबसूरत बना देगा। तो भविष्य की चिंता को छोड़ के भूतकाल की सारी दुखद और या सुखद यादों को छोड़ के हम वर्तमान में थोड़ी देर टिक जाए। तो ये विधि आपके लिए सरल है, सहज है, कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। बस इतना सही करना है और आप गहन ध्यान में डूब जाए।